चलो जल्दी से इस छोटे कॉकरोच से माफी मांगो। मैंने कह दिया तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन क्यों? पूरा महीना फोन के बगैर। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। मामा आप किससे बात कर रही हैं? मैं मामा के आने का इंतजार नहीं कर सकता। मामा आ गए लगता। चलो। ओ मामा आप आ गई। देखिए मैं खाना लाया हूँ। मैकडॉनल्ड कहाँ से आया? कब आया? ये छोड़े आप बस इसको एंजॉय कीजिए। खाइए इसे, बहुत मजा आएगा। शीरजा मैं आजकल अच्छी चीजें खा रही हूँ और तुम मेरे लिए बर्गर पकौड़े खरीद कर ले आए, क्यों किया बताओ मुझे? एक्चुअली मैंने सारे पैसे लगा दिए जो पिकी बैंक से निकाले थे और आपको खुश करने के लिए सिर्फ। आई समझ? खुश हो जाओ और ये मेरे साथ नाराज हो गया है। ओ मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक जगह आया हूँ। तुम कौन हो? ओ लो तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी अच्छी वाली साइड हूँ। मुझे पहले ही पता था कि तुम यहाँ होगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी होगी। ओ तुम कौन हो? ओ अच्छा तुम यहाँ हो मेरी दोस्त, आओ मेरे साथ सन बाथ लो। तुम उसकी बात मत सुनो और उसके कहने पर मत चलना, वो तुम्हारा बेटा है। क्या हुआ अगर उसने पैसे खर्च कर लिए तो? क्या तुमने कभी अपने आप के बारे में भी सोचा है? तुम इतनी अच्छी नहीं हो, मैं अच्छा हूँ। नहीं डाइटिंग की वजह से शायद मैं पागल हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें खाना खाना चाहिए। हाँ मुझे कुछ खाना है। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सब कुछ तो ला दिया है जो तुम्हें खाना है। जाओ जाओ खाओ खाओ। ठहरो, तुम्हें ये सब नहीं खाना, ये फास्ट फूड है। ये लो फल खाओ। हाँ मैं फल खाऊंगी। मजे का नहीं है ना, एक जूसी बर्गर इस टाइम खाने का कितना मजा आएगा है ना। खाओ इसे, ये एक आड़ू से बेहतर है। रुको ये मत खाओ, ये तुम्हें नहीं खाना है। कुछ तो खाऊंगी, मर थोड़ी जाना है। और ऊपर से इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आ, नहीं वो बर्गर मत खाओ, ये नाशपाती खाओ। अरे ये इतने मजे का है और वो देखो जरा। चलो अब कुछ मत सोचो, खा लो। खाना हमेशा हेल्दी होना चाहिए। ये कितना मजेदार है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। रोक लो अभी भी रोक लो।
मामा, क्या आपने सारी फास्ट फूड खा ली? ओह, ये क्या किया? आप सारी फास्ट फूड खा गई हैं, मेरी भी और सब कुछ भी। मुझे ये सब नहीं खाना था। ओ मेरी लड़की, कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें मना भी किया था लेकिन नहीं रुकी तुम। मुझे माफ कर दो बेटा। ओ इस छोटे कॉकरोच से क्यों माफी मांग रही हो तुम? हाँ मामा, आप तो मेरे हिस्से का भी फास्ट फूड सारा खा गई हैं। हाँ, मेरा दिल किया और मैं खा गई। उसे कहो कि मैं तुम्हें नया ले दूंगी। क्या मतलब नया ले दूंगी? उसको कहो कि तुम्हारे पैसों का था क्या? पैसे कमाओ, नया लो। पैसे कमाओ और अपना खाना खुद लाया करो। मामा आपको बता दूं, ये सारी चीजें मैं अपने खुद के पैसों से लेके आया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। ठहरो, बहुत हुआ, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। मामा, क्या आपने इतना ज्यादा फास्ट फूड खा लिया है? उसे कहो मुझे केक भी खाना है, ला के दे। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा केक दे देना। क्या वाकई आपको केक खाना है? मैंने तुम्हें बताया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे तुम दोनों ने पागल कर दिया है। मामा, किन दोनों ने? उसको सजा दो कि वो अपनी माँ पर यकीन नहीं कर रहा। बहुत हुआ, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन क्यों? पूरा एक महीना फोन के बगैर। पूरा एक महीना फोन के बगैर? पूरा एक महीना? अपने बच्चे को क्यों डांट रही हो? ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा। मामा, मैं समझ सकता हूँ कि आप डाइटिंग कर रही हैं और आप थक चुकी हैं। आपको चाहिए कि आप जाकर कुछ रेस्ट करें। वाकई, और सारे घर का काम इस बच्चे से करवाओ। चलो जाओ, पूरे घर की सफाई करो और मैं जाती हूँ सोने। ठीक है मामा, ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा, मुझे बताइए। तुम दूसरों पर अपने काम मत डाला करो। बेहतर है कि तुम अपने बेटे के साथ चेस खेलो। चलो चेस खेलते हैं। आपका रवैया बहुत अजीब है, मैं जाकर चेस लेकर आता हूँ। तुम्हारे अंदर फैसले की ताकत नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ। बस बहुत हुआ, तुम दोनों चुप कर जाओ। मैं कहती हूँ कि तुम दोनों चुप कर जाओ। मामा, आप किससे बातें कर रही हैं? हाँ बताओ उसे कि बहुत हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। अरे अपने बेटे को गले से लगाओ। मामा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेहतर है, चेस लेकर आओ, हम चेस खेलते हैं। मेरी बारी। इससे ये पैकेट छीन के सारे का सारा खा जाओ। नहीं, बच्चों से चीजें नहीं छीनते। खा जाओ इसे, मुझे पता है तुम इसे चाहती हो। मामा, आपको ये खाने में कोई मसला नहीं? मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, इन दोनों का कसूर है सारा। हवा की जरूरत है, चलिए हम वॉक करके आते हैं। चलो चलें बेटा। अगर
आपको शैतान और परी वाला एपिसोड दोबारा देखना है, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 लाइक्स के बाद नया एपिसोड दिखाया जाएगा।